हाय गाइस, आज हम बना रहे हैं 5 मिनट में बन जाने वाला टेस्टी नाश्ता ब्रेकफास्ट। आप लोग इसे खाकर बहुत ही पसंद करते हैं। आइए जल्दी सी हम अपना ब्रेकफास्ट बनाते हैं। यह ब्रेकफास्ट बहुत ही लाइट होता है और खाने में बहुत ही टेस्टी और यम्मी होता है। तो लीजिए हमारा ब्रेकफास्ट। अब ब्रेकफास्ट यानी कि पोहा, हम आज बनाएंगे एक नए तरीके से पोहा। आप भी उसे नए तरीके से बनाएं, क्योंकि इस नए तरीके से बनाना बहुत ही आसान है। तो इसके लिए आप पोहा लीजिए, जितना आपको चाहिए बनाना है उतना आपके हिसाब से पोहा ले। पोहा ले, उसे किसी बाउल या कटोरे में डाल लें ताकि आपको अपने हिसाब से पोहा बनाए। एक कटोरी, दो कटोरी, जो भी आपको चाहिए उतना ही आप लें। और साथ में आप पहले आप अपने छोटे छोटे पीसीजों में प्याज काटें, छोटे छोटे पीसीजों में टमाटर भी काटें और हरी मिर्ची भी काटें। अगर आपके पास मूंगफली की गिरी है या मटर के दाने, ग्रीन मटर के दाने हैं, जो कुछ भी है, आप मटर के दाने हो तो थोड़े से उबाल लें पहले ही और पानी से बाहर निकाल लें। जब आपकी इन सब चीज़ों की तैयारी हो जाए, आप अपने पोहे को लें, उसे अच्छी तरह से साफ़ करें। साफ़ करने के बाद आप इसमें पानी डालें और पानी के साथ फूले फूले हाथ से इसे धो लें। और इसका जब तक पानी निकालें, जब तक ये अच्छी तरह से यानी कि साफ़ वाटर में हो जाए इसका, तो ये देखिए हम अब फूले फूले हाथ से पोहे को धो रहे हैं। अभी इसमें पानी की क्वांटिटी बहुत कम है, इसमें और पानी डालिए। ये देखिए हम भी इसमें और पानी डालेंगे। इसे खुले पानी में धोएं ताकि इसका जो मल है, जो कि धुंधलापन है, पानी अच्छी तरह से साफ़ हो जाए। और फिर आप इसे इसी तरह से 2-3 बार धो लें। फिर आप इसे छलनी से निकालें या अपने हाथ के साथ निचोड़ कर प्लेट में रख लें। ये देखिए इस तरह से आप निचोड़ें, प्लेट में रखें। अगर आपके पास छलनी है तो आप छलनी के साथ सारा पानी निकाल दें और पोहे को निचोड़ कर अपनी प्लेट में रखते जाएं। सारा पोहा इसी तरह से अपनी प्लेट में रख लें। प्लेट में रखने के बाद आप इसमें अपने मनपसंद मसालों को इसके ऊपर डाल दें। ये देखिए हमने अपना सारा पोहा निकाल लिया है। अब हम अपने मनपसंद मसाले इसके ऊपर डालेंगे, जैसे कि हल्दी पाउडर। ये देखिए आप इसे थोड़ा अच्छी डाल लीजिए ताकि हम जो मसाले डालें वो अच्छी तरह से इन पर लग जाए। ये देखिए हमने सारा पोहा निकाल लिया है। अब आप भी इसी तरह से निकालते रहें। जब आपका पोहा सारा पोहा निकल जाए तब आप अपने मनपसंद मसाले इनके ऊपर, इस पोहे के ऊपर डालें, क्योंकि पोहा पानी में भीग कर बड़ा सॉफ्ट हो चुका है और ये एक जल्दी बनने वाली चीज़ है, तो इसलिए इस पर हम अपने मसाले ऐड कर देंगे, क्योंकि इससे ये जल्दी और जल्दी बन जाएगा। और इस पर आप गरम मसाला डालें, आप नमक अपने स्वाद के अनुसार डालें, नमक अपने स्वाद के अनुसार डालें, मिर्च भी अपने स्वाद के अनुसार डालें, गरम मसाला डालें, चाट मसाला भी इसके ऊपर डाल दें और हल्दी पाउडर भी डालें। इन जब आप इन सब मसालों को डाल दें तब आप इन्हें अच्छी तरह से चम्मच के साथ मिक्स कर दें। और ये देखिए हमने अपने सारे मसाले डाल रखे हैं और इन्हें
मिक्स करें, अच्छी तरह से मिक्स करें। मसाले अपने स्वाद के अनुसार ही डालें। जब हम अपने सारे मसाले डाल लें तब इन्हें अच्छी तरह से मिक्स करते रहें चम्मच के साथ, अच्छी तरह से हिलाएं ताकि अच्छी तरह से ये मिक्स हो जाए। ये देखिए ऐसे धीरे धीरे आप सारे पोहों में यह मसाला मिला दें ताकि सारे पोहे पर यह मसाला मिल जाए। अब आप देखिए कि हमारे सभी मसाले मिक्स हो चुके हैं। अब आप एक पैन लें यानी कि कढ़ाई लें, कढ़ाई को साफ सा धो लें। धोने के बाद आप उसे गैस ऑन करके उसके ऊपर रख दें और रखने पर आप कढ़ाई को गर्म होने दें। कढ़ाई गर्म होने के बाद उसमें आप मस्टर्ड ऑयल डालें या जो भी रिफाइंड ऑयल या घी यूज़ करते हैं, जो भी आप घर में यूज़ करते हैं वो उसमें डाल लें। कढ़ाई के अंदर डालें, फिर उसमें राई का छोंक लाएं, राई मस्टर्ड सीड, जो मस्टर्ड सीड होती है उसका छोंक लगाएं और फिर आप इसे थोड़ा हाथ चटकने दें। ये देखिए हमने इसे मस्टर्ड सीड डाल दी है। अब इसे आप थोड़ा चटकने दें, फिर आप इसमें अपने कटे हुए प्याज को डालें। प्याज को जब तक भूनते रहें जब तक यह लाइट ब्राउन रंग का न हो जाए, क्योंकि अगर प्याज कच्चा रह गया तो आपका पोहा भी अच्छा नहीं बनेगा। इसलिए आप प्याज को अच्छी तरह से पकाएं, तब तक भूनते रहें जब तक यह लाइट ब्राउन रंग का न हो जाए। फिर आपका जब लाइट ब्राउन रंग का हो जाए तब आप इसमें अपना टमाटर भी ऐड कर दें और कटी हुई हरी मिर्ची भी ऐड कर दें। ये देखिए हमारा प्याज भून चुका है, अब हम इसमें अपना टमाटर ऐड करेंगे और आप भी इसी तरह से अपना इसमें टमाटर ऐड करें। और टमाटर और हरी मिर्च को भी जब तक भूनते रहें जब तक ये अच्छी तरह से मैश ना हो जाए और हमारा टमाटर अच्छी तरह से पिघल ना जाए। गैस को फुल रखें ताकि मसाला अच्छी तरह से सिक जाए, और जब हमारा यह सिक जाए तब आप इसमें अपने मूंगफली की गिरी डाल सकते हैं, अपने काजू बादाम जो भी आप खाना पसंद करते हैं इसमें वो डाल सकते हैं, और उबले हुए ग्रीन मटर भी बिना पानी के डाल सकते हैं। और फिर आप लास्ट में अपनी गैस को मंदी कर दीजिए। मंदी करने के बाद आप अपने पोहे को इसमें मिलाएं और अच्छी तरह से मिक्स करें। जब आपका पोहा अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो आप 5 मिनट के लिए इसे ढक दें, गैस को मंदी रखें और 5 मिनट के लिए ढक दें, आपका पोहा तैयार हो जाएगा। फिर आप इस पर एक नींबू निचोड़ दें ताकि इसका स्वाद और भी लाजवाब बन जाए। इस तरह से आप अपना पोहा बनाएं। अगर आपको हमारी पोहे बनाने की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और कमेंट में लिखकर भी हमें बताएं कि आप इस तरीके से आपने पोहा बनाने पर आपको यह पोहा कैसा लगा और आपका धन्यवाद। आपके लिए